उधर मथुरा के वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में दबकर दम घुटने से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मरने वाले की पहचान नोएडा की निर्मला देवी और जबलपुर के राजकुमार के रूप में हुई है। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि भीड़ बढ़ने के कारण यह हादसा हुआ है। रात 2 बजे मंगला आरती शुरू होने से पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ने लगा और दम घुटने की वजह से करीब 8 लोग बेहोश होकर गिर पड़े। आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लेती लोगों की कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्जिट रहता है, तो जो एग्जिट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पर पहले बैठे और फिर लेट गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से, उनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं। फारूक, आप बताएं कि किस तरीके से यह हादसा सामने आया। मोहम्मद, आपको हमारी आवाज मिल रही है? फिलहाल अभी संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मथुरा से एक खबर है जहां पर मंगला आरती के दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि वहां मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से 8 लोग बेहोश होकर गिर पड़े, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो यह हादसा मंगला आरती के दौरान हुआ है। एक बार फिर से हमारे साथ मोहम्मद फारूक फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं मथुरा से। मोहम्मद फारूक, आप बताइए किस तरीके से ये हादसा जो है सामने आया, किस तरीके से वहां भगदड़ का माहौल हो गया। जी गौरव, ये आपको बता दूं मैं कि ये ठाकुर बांके बिहारी मंदिर है जी, और उसकी जो है संख्या वहां पर लोगों की जो कैपेसिटी है उसकी 600-700 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन वो 600-700 से कहीं अधिक जाकर वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, क्योंकि ये मंगला आरती जो है साल में एक ही बार वहां पर होती है बांके बिहारी पर, और श्री बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान इतनी जबरदस्त भीड़ हो गई थी और वहां पर जो है लोगों का एक तरीके से दम घुटने लगा था, इतना सफोकेशन हो गया था कि लोगों का दम घुटने लगा और उसमें जो है एक तरीके से एक भगदड़ सी मची, और भगदड़ मचने के बाद वहां पर लोग गिर गए और गिरने के बाद में उसमें 8 लोग जो है बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि इनकी पहचान नोएडा के निर्मला देवी हैं और जबलपुर के राजकुमार के रूप में हुई है। एसएसपी अभिषेक यादव से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये हादसा जो है भीड़ बढ़ने के कारण हुआ है, क्योंकि रात को 2 बजे मंगला आरती शुरू होने से पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ने लगा था और लोगों की भीड़ बढ़ने की वजह से लोगों की दम घुटने लगी थी और सफोकेशन इतना ज्यादा हो गया था, क्योंकि वहां पर जो कैपेसिटी है मंदिर में वो केवल 600-700 लोगों की कैपेसिटी है, और 600-700 की कैपेसिटी के अलावा और जो अधिक भीड़ हो गई थी वो इतनी खचाखच भीड़ हो गई थी, जो लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच गई थी, और उस भीड़ की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। और बिल्कुल मोहम्मद, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 500 से 600 लोगों की कैपेसिटी मंदिर परिसर की है, लेकिन प्रशासन को किस तरीके से इंतजाम किए गए थे? क्या उनको नहीं पता था कि जन्माष्टमी के अवसर पर लोग दूर दराज से अब यहां पर पहुंचते हैं, मथुरा जन्माष्टमी मनाने के लिए पहुंचते हैं, तो 500-600 की जगह हजारों की लाखों की तादाद में लोग मंदिर परिसर के अंदर कैसे दाखिल हो गए? जी जी बिल्कुल, ये एक मंदिर प्रशासन की भी इसमें गलती रही है, क्योंकि मंदिर प्रशासन को ये देखना चाहिए था कि किसी भी तरीके से उस पर जो है रोक लगाते, जो हजारों की संख्या जो है अंदर पहुंच रही थी उसको रोकना चाहिए था मंदिर प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन को भी उस पर रोक लगानी चाहिए थी। लेकिन एसएसपी अभिषेक यादव जी का ये कहना है कि जो एक्सिट का जो गेट था, जो एक्सिट गेट है वो एक्सिट गेट से
भीड़ जो है निकलती भी जा रही थी और एक तरफ से आ रहे थे, इंतजाम उन्होंने माकूल किया हुआ था उनका कहना है, लेकिन फिर भी ये हादसा हुआ है क्योंकि जन्माष्टमी के पर्व पर लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठा होती है मथुरा वृंदावन में, देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपने कान्हा के जन्मदिन पर अपने जो अभिषेक करते हैं, अभिषेक में शामिल होते हैं और अजन्मे के जन्म पर अपने जो है यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जी गौरव, लेकिन मोहम्मद साहब जिस तरीके से इस पूरे हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है, साथ ही साथ जो लोगों की यहाँ मौत हुई है उनके परिवार वालों के लिए क्या कुछ परिवार वालों की तरफ से रिएक्शन आया है, क्या किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, प्रशासन क्या कुछ उनको आश्वासन देने की कोशिश कर रहा है? जी गौरव, प्रशासन की ओर से अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन का कहना यह है कि ये जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। प्रशासन भी इस बात इस घटना को मान रहा है कि दुखद घटना है और उनके लिए मुख्यमंत्री जी से भी जिलाधिकारी और एसएसपी बात करेंगे और उन अभी कोई घोषणा नहीं करी गई है, लेकिन वो भी इसको जो है जो मरने वाले लोग हैं उनको मुआवजे के लिए भी प्रयास करेंगे दिलवाने का और जो घायल हैं उनको भी मुआवजे का प्रयास करेंगे। और अब ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परमिशन लेकर या जिला प्रशासन अपनी ओर से इनको क्या मुआवजा देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी तफ्तीश से देने के लिए।